हेलो दोस्तों, मैं हूं गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। पुणे के पोर्शे एक्सीडेंट में दो युवकों की जान जाने का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच पोर्शे कार कांड में एक नया ट्विस्ट आ गया है। मामले में आरोपी के पिता ने जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। बताया गया है कि जब ये हादसा हुआ तो कार नाबालिग लड़का नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। नाबालिग आरोपी और उसके पिता दोनों ने अब सारा इल्जाम अपने ड्राइवर पर मढ़ दिया है। खुद ड्राइवर ने भी इल्जाम अपने सिर ले लिया है। नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि एक्सीडेंट के समय उसका फैमिली ड्राइवर पोर्शे कार चला रहा था। एक्सीडेंट के वक्त पोर्शे कार में मौजूद आरोपी के दो दोस्तों ने भी उसके दावे को सही बताया है। इतना ही नहीं, ड्राइवर ने भी इस बात को कबूल कर लिया है। इस दावे के बाद से पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी है। इस बीच आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल का मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिया है। पोर्शे कार एक्सीडेंट कैसे हुआ, मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, पुलिस खुलासा करने की तमाम कोशिशों में लगी हुई है। आपको बता दें कि पुणे में शनिवार और रविवार की देर रात तेज रफ्तार पोर्शे कार का कहर देखने को मिला था। कार ने एक बाइक को टक्कर मारी थी जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी। पुणे के रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा उस कार में सवार था जिसने दो लोगों की जिंदगी छीन ली थी। जब यह हादसा हुआ तो वो भागने की कोशिश में था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी की। एक दिन पहले ही पुणे की एक अदालत ने उसकी जमानत रद्द करते हुए उसे जेजेबी यानी कि जुवेनाइल सेंटर बोर्ड ने सुधार गृह भेजने का आदेश दिया था। हालांकि मामले में जो नई अपडेट सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है। ये सामने आया कि फैमिली ड्राइवर जो कथित तौर पर उस हादसे की रात पोर्शे कार चला रहा था उसे पुलिस फिर से पूछताछ कर रही है। जिस फैमिली ड्राइवर ने कार चलाने की बात कही है उससे पुलिस ने गुरुवार फिर से पूछताछ की। फैमिली ड्राइवर ने अपने पहले बयान में दावा किया था कि हादसे के समय वो पोर्शे कार चला रहा था। विशाल अग्रवाल ने ये भी दावा किया है कि उनके नियुक्त ड्राइवर ही पोर्शे कार चला रहे थे। अब इस मामले को लेकर पुलिस ने नाबालिग के पिता की हिरासत की मांग करते हुए बुधवार को कोर्ट को बताया था कि क्योंकि किशोर कार चलाना चाहता था इसलिए ड्राइवर ने अपने नाबालिग के पिता को फोन किया और उन्हें अपने बेटे की डिमांड के बारे में बताया, और जिसके बाद उसके पिता ने ड्राइवर से कहा कि वो अपने बेटे को कार चलाने दे। तो वहीं पुलिस ड्राइवर को मामले में गवाह के तौर पर पेश कर सकती है। इस बीच अब पुलिस उस पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है जहां से कार गुजरी थी, जहां ड्राइवर कार चला रहा था और जहां ये आरोपी नाबालिग कार चला रहा था। पुलिस आवाज से कोसी रेस्तरा, फिर ब्लैक क्लब और वहां से हादसा स्थल तक ये देखने के लिए सीसीटीवी चेक किया जा रहा है कि कौन कार चला रहा था। तो वहीं पुलिस पुणे क्राइम ब्रांच मामले के सिलसिले में 17 साल के लड़के के दादा सुरेंद्र अग्रवाल से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस उनके बेटे और पोते के बारे में और ज्यादा जानकारी और हादसे के दिन उनके साथ हुई बातचीत के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए उनसे पूछताछ कर रही है ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। अगर ये बात साबित होती है कि नाबालिग आरोपी गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि हादसे के वक्त ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो नाबालिग को रिहा कर दिया जाएगा और ड्राइवर के खिलाफ मामला चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।